सर्वथा विभुपाद पद्मा जितने लाभ विष्णु विष्णु पाद प्रभु श्री 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 माता के स्वरूप जिस धर्म को साई महाराज के अंतर्गत अनंत तत्पश्चात में शिक्षा को पाद पद्मा जितने लाभ विष्णु विष्णु पाद प्रभु श्री विष्णु माता के लाभ हम लोग कहते थे हम लोग इसको प्रेम कहते हैं और मायावादी को ब्रह्मवादी लोग जिसको अद्वैत सिद्धि कहते हैं मतलब जब भी लीन हो जाए अपना सत्ता को ब्रह्म में लीन करते उसको हम लोग जब भगवत चिंतन करते प्रभु प्रेम में प्रभु भक्ति में जब संपूर्ण मन प्राण चित्त को संपूर्ण डुबो दे जिसको हम प्रेम कहते हैं। लेकिन हमारे भक्त भगवान और भक्ति ये तीनों अलग रहता है। भक्त भगवान में मिल नहीं जाता है, ये अलग रहता है। जब तक अलग नहीं रहेगा तब तक वो प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता है। इसलिए लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं जाकर के जीव ब्रह्म में लीन हो जाए। इसलिए जब ऐसे बोलेंगे कहते जो अद्वैत सिद्धि कभी कभी है कहते ऐसे बोलने से कहते जो अद्वैत सिद्धि और प्रेम कभी एक पदार्थ नहीं हो सकती। अभी कहते हैं ये सब विचारों को सुन करके श्री परमहंस परमहंस श्री सन्यासी तत्पर बोले किंतु भगवान श्री चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है वो माया से संपूर्ण अतीत विशुद्ध अद्भुत सिद्धि का चरमल फल है। यहाँ पर कह रहे हैं कल श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए और आ करके स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन इन्होंने कलयुग में राधा जी की भाव अमृतांति लेकर के आए और आकर के उन्होंने स्वयं कैसे श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम में जब डूब जाती है हैं कैसे राधा रानी तो शरीर में दिव्य प्रेम प्रकट होता है अलग 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 चित्र जल्प प्रजल्प अभिजल्प संजल्प सब एक एक भाव को दिखाया है। जब कृष्ण जब उद्धव जी काम पर आते हैं जब ब्रज में आते हैं और आके आकर के जब राधा रानी को जाकर देखते हैं कैसे एक सुंदर कमल फूल ऊपर में राधा रानी को लेट दी गई और राधा रानी का शरीर में कर्पूर अकूर चंदन की लेप दी। लेकिन ऐसे राधा रानी कृष्ण विरह में तड़पड़ा रही थी हाँ ऐसे जिसको एक सेकंड में जितने कमल का जो पपड़िया चुनचुर हो रहा था और शरीर में जो कर्पूर अकूर चंदन की लेप दिया था एकदम चुनचुर हो रहा था और कृष्ण कैसे एक भ्रमर बन करके आए और राधा रानी के चरण के ऊपर बैठना चाहते हैं लेकिन उसी समय राधा रानी कैसे कहते मधु पपीता बंधु मांस प्रसाद में सब पत्न खबरदार मेरे चरणों को छूना नहीं लगता है तू शराब पी करके आए हैं शराब पी करके आए बोले शराब कहाँ पिया बोले शराब तो पी रखे बोले प्रमाण किया बोले जो शराब पीता है ना उसको कोई बुद्ध नहीं रहता ज्ञान नहीं रहता बोले तुम हमको मनाने के लिए आए हैं मतलब वो कहें वो लाल लाल क्यों है किस लिए ये लाल लाल है बताओ लगता है कहते कृष्ण जब महिषियों के साथ में कृष्ण मिले कहते उनका फूलों के ऊपर में कहते जो महिषियों ने अपना बख्यस्थल को जो कुमकुम से जो उन्होंने लेपन किया था वो लग गया तुम्हारी जो फूलों वाला में और उसमें तू बैठ गया तो गोप हो गया लाल और तू मनाने के लिए हमको आए हो हमारा जो सौतिन लगती है उनका केसर के द्वारा मुंह पर रंगा करके हमको मनाने के लिए आए शर्म नहीं लगता रह जाए यहाँ से
हमारे चरण को छूना नहीं। और ऐसे उन्होंने ऐसे उनको टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात बोल रहे थे ना राधा रानी, खबरदार कितने काले सब के सब धुरते है। त्रेता युग में भी सत्य युग में भी काले हुए, बोले कौन, बोले ब्राह्मण थे, छोटा सा बोलना सा रूप धारण करके आए। बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को ज्यादा लोग नहीं करनी चाहिए, हमको केवल तीन पग जमने का, और देखो मैं किसका छुआ हुआ प्यार से नहीं लूंगा, अपना प्यार से ही नाप कर लूंगा, पहले ही बांध दिए। लेकिन उन्होंने एक पग बढ़ाया तो भूर भूगत महोर जन तप सत्य लोग चला गया, एक पग बढ़ाया था अतल वितल तलातल सुतल, तीसरा पग कहाँ रहा, बोल रहा था तीन पग जमने दो बताओ कहाँ रखूं। बोले एक गरुड़ को बुलाया, बोले इसको नाक पास बदने में बांध। कभी ये सत्य युग में एक काल है, कौन से ब्राह्मण देव होंगे। बोले देखो जब तुमने तीन पग जमीन मांगी, तुम्हारे प्यार कितना था, छोटा छोटा था, उसी तो उससे तो नाप करके लेता, लेकिन बढ़ाया तुमने किसी ने, बढ़ाया तो बढ़ाया, लेकिन तुमने सब कुछ ले लिया, फिर तुमने बलि महाराज को नाक पास बंधन में बांध क्यों दिया। कौए है ना, कोई अगर खाना लेकर जाता होगा देखे ना, बस देखेगा कौ का करना शुरू, उनको स्वभाव है, मतलब दूसरे का कौआ को बुला लेता है और पूरा पूरा खा लेगा और खुदरा कर हैं क्या तुम्हारी स्वभाव। तृतीया जुग में भी एक काला आया, बोले कौन आया, कौन आया तृतीया जुग में काला कौन है, भगवान रामचंद्र आए, वो भी एक काले हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़े सुंदर जटा जट धारण करते हुए सन्यासी वेश लिया, इधर का सन्यासी वेश है लेकिन धनुष बाण, अरे सन्यासी जो जटा जट धारण करके सन्यास वेश लेता है वो कभी धनुष बाण लेता है, वो तो साधु का स्वरूप है। पर स्त्री जो साधु होते स्त्री साथ में रहता है क्या, स्त्री को लेकर गया और सुपर्ण खाने आकृष्ट हो गया, सुपर्ण खाने को दोष था क्यों, स्त्रियों का स्वभाव है अगर किसी सुंदर पुरुषों को देखते हैं ना वो आकृष्ट हो जाते हैं, सुपर्णा का दोस्त थोड़ी था, तो इतने सुंदर क्यों बना, सुंदर नहीं होता तो सुपर्णा का आकृष्ट नहीं होता। तो ठीक है वो गई तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए, लेकिन तुझे नाकाम क्यों कर रहा है, एक स्त्री इतने सुंदर क्यों नहीं हो, अगर उसको नाकान कटवा दो तो दुनिया में उसको कोई पूछते है, कोई कोई नहीं पूछेगा उसको, कितना कुत्ते का घाट ना घर का ना घाट का है, इसलिए तो ऐसे बन गया। बोले अभी अभी वही काले कल युग में वही कृष्ण ही भगवान काले रूप लेकर के, जितने काले सब जुड़ते हैं खबरदार तेरे से हम कोई बात नहीं करके तू चलेगा, कोई बात नहीं तेरे से तू चलेगा। इतने में वो भौरा कहते हैं, बोले स्वामी जी जब से मैं आया हूँ तब से तू वही काले वही काले वही काले हैं, तुम उनकी बुराई बुराई करते ही जा रहे हो, अगर वो काले इतने खराब व्यक्ति है भैया वो काले का बात नाम छोड़ दो, काले का बात छोड़ दो ना और किसका बात करो, फिर वो कृष्ण का बात क्यों करते हो, यही तो काले हमारे हृदय में और ऐसे बैठ गया है ना, ये जीवा से निकले तो उसकी नाम के सिवा कुछ भी निकलते नहीं, ये आंखों में ना वो काले के सिवाय और कुछ दिखता नहीं, वो कहने में कृष्ण की कथा के सिवाय अंदर कुछ जाता नहीं, और ये जीवा ऐसे कृष्ण नाम के कृष्ण गुण के सिवाय कुछ चीज निकलती नहीं, ऐसे कृष्ण रहने में हम रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते श्री चैतन्य देव ने जो प्रेम को आस्वादन देने के लिए उपदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम गुण प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है, और महाप्रभु जो प्रेम का आस्वादन किया है, अगर यहाँ पर जैसे कृष्ण और राधा रानी क्या दोनों मिल गए क्या, राधा रानी कृष्ण से मिल गए नहीं मिल गए, वो अलग है तभी वो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक हो जाते प्रेम आस्वादन कहाँ होता है, भक्त भगवान अगर मिल करके मिल जाते नहीं होता। इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर के जगत में जो प्रेम को उन्होंने आस्वादन की और उन्होंने जगत को जो प्रेम की उन्होंने शिक्षा प्रदान की और अपना लीला चरित्र को द्वारा जगत को जो शिक्षा दी है, कहते संपूर्ण रूप में ये प्रेम
ये माया से अतीत वस्तु है, माया से अतीत वस्तु है। विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल कहते संपूर्ण रूप में जो विशुद्ध जो अद्वैत अद्वैत मना द्वैत ना दो, मतलब जब भक्त भगवान में संपूर्ण इनका चिंतन करते करते डूब जाए, जैसे से लाधारी ब्रज की गोपियां जैसे कभी ये क्या है, कभी ये सर्वश्रेष्ठ फल, इससे बड़ा फल है नहीं। कहते जो महाभाव है उसी प्रेम का विकार विशेष है राधा रानी के अंदर में, ये जो महाभाव का लक्षण दिखाई पड़ता है, महाभाव मतलब भाव का अंतिम चरम जो स्थिति है, हैं? कि ये प्रेम का विकार विशेष, उसमें कृष्ण प्रेमानंद अत्यंत प्रबल होता है, जिसमें कृष्ण के प्रति जो प्रेम आनंद है अत्यंत अत्यंत इसमें प्रबल है, जैसे ब्रज की गोपियां हैं, जैसे श्रीमती राधा रानी, जैसे नंद बाबू, जैसे मैया यशोदा। इसलिए जब उद्धव जी आए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने देखा मैया यशोदा तो एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई, बेहोश होकर पड़ी हुई। जब उद्धव जी आए नंद बाबा उनको थोड़ी सी दूध में हैं चावल डालकर खीर मगवा बनवा करके मंगवाया, उद्धव जी को पिलाया और उद्धव जी नंद बाबा की गोद में बैठ गए, बैठ करके जो बातचीत कर रहे थे मैया यशोदा तो एकदम लेट हुई, बेहोश होकर आंख बंद करके बोले इन्हीं आंखों से जिन कृष्ण को मैंने देखा है और कृष्ण के सिवाय और कोई चीज में देखना नहीं चाहता, देखना चाहता हूँ तो केवल कृष्ण को देखना चाहता हूँ। लेकिन जब नंद और उद्धव से बात हो रही थी, जब कृष्ण के विषय में मैया यशोदा ने सोचा क्या कृष्ण क्या आ गए, कृष्ण क्या आ गए, लाला क्या आ गया, मेरे लाला है, इतने में उन्होंने आँख खोल कर देखते ही लाला जी उद्धव, ये उद्धव जी आए। फिर जब देखा कृष्ण आए नहीं ना, फिर मैया यशोदा तो धड़ाम कर फिर दिख रहे और इतने आंखों की आंसू बह रही थी, इतने आंसू बह रही थी, पूरा कपड़ा गीली हो रही थी, स्तन से दूध छिछवा रही थी, हैं मैया यशोदा की इतने आंसू प्रवाहित हो रही थी। और मैया कभी कभी कृष्ण देखना बचपन में कृष्ण जो कपड़े को व्यवहार करता था, कृष्ण कभी कभी वो कपड़े को गठली रूप में मैया यशोदा बांधते थी, कहते मैं मथुरा में जाऊँ जा करके देवकी को बोले, बोले देवकी तुम्हारे घर में मैं रोज लिपा पोता लगा दूंगी, तेरी बर्तन मान दूंगी, लेकिन दिन में एक बार केवल कृष्ण को मेरे को दर्शन, केवल एक बार दिन में कृष्ण दर्शन हमें मिल जाए और कोई चीज का हम नहीं चाहते। कभी ये जो चीज ये महाभाव की ये चरम प्रेम का ये चरम अवस्था, जब ऐसे भक्त लोग कृष्ण चिंतन करते 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 उसमें डूब जाए, हैं कहते अत्यंत प्रबल। सुतराम संवेदक और संवेद का पार्थक्य और निगुण संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। इसमें क्या होता है, सुतराम संवेदक और संवेद्यता, इसलिए जो भक्त और जो भगवान इसका जो पार्थक्य और इसका जो निगुण संबंध है, ये क्या होता है, प्रेम में एक दिव्य अवस्था को पहुंचा देता है ये प्रेम है। और भक्त और जो भगवान है ये दोनों एक नहीं हो जाते हैं, ये अलग रहते हुए ये प्रेम का आस्वादन करते हैं। लेकिन तुच्छ मायावादी इसी प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। कभी जो शंकर मतावलोक कभी ये जो प्रेम की किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों का किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता नहीं। उसमें ब्रह्म में जाकर डूब जाते हैं, प्रत्याभास हो गया। इसलिए सन्यासी ठाकुर आदर के साथ कहा, प्रभु ये मेरे हृदय में अच्छी तरह से बैठ गया कि मायावाद बहुत ही अकिंचित कर उसके संबंध में मुझे जो संशय था वो भी आपकी कृपा से आज दूर हो गया। बोले प्रभु जी ये जो मायावाद है, मतलब शंकराचार्य जो मतलब मत जो मत है, मेरे को पता चला एकदम बेकार रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं, ये अत्यंत अत्यंत गंद रास्ता है। इसलिए भक्त लोग कहते कभी प्रभु कभी हम नरक चले जाए, लेकिन ये मुक्ति नहीं चाहते, ये ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहते, भले हमको नरक क्यों नहीं हो जाए,
नरक से तब कभी ना कभी उद्धार होगा, नरक से उद्धार होकर के फिर कभी ना कभी हमें कृष्ण भक्त का संग मिलेगा, कृष्ण प्रेम तो मिलेगा। लेकिन एक बार अगर ये ब्रह्म साजु जो हो गया तो जीवन सुइसाइड, एक तरह का ये सुइसाइड है, आत्महत्या कर देना। इसलिए प्रभु हम समझ गए कि अत्यंत अत्यंत बेकार पद है, एकदम गंदा रास्ता है। इसलिए भक्तों को मुक्ति देने पर भी भक्त लोग ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे अंदर में जितने संशय था आपका कृपा से सब दूर हो गया। आपने इसी मायावादी सन्यासी से वेश को त्यागने का मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। लेकिन उन्होंने जो वेश धारण कर रखा था वो कौन सा वेश था? पहले वो मायावादी सन्यासी, जैसे हम लोग सन्यासी होते हैं ना, वो लोग भी सन्यासी है। लेकिन हम जो कपड़ा थोड़ी सी गौरी के वस्त्र धारण करते हैं वो एकदम लाल वस्त्र धारण करते हैं, और ये त्रिलंग धारण करते हैं, और ये त्रिपुंड लगाते हैं, ये लतिया कर इन्होंने ये त्रिपुंड को धारण करते हैं, हैं? लेकिन वो लोग हम भी सन्यासी, वो भी सन्यासी है, लेकिन होने पर भी हमारे भाव में बहुत अंतर है। हम भगवान की सेवा प्रेम भक्ति चाहते हैं, वो चाहते ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते। बोले प्रभु ये ड्रेस को प्रति ना अभी बहुत घृणा लग रहा है, ये बेकार चीज है, हम इसको त्याग देना चाहते हैं, ये बेस हमारी छूट जाए। लेकिन जब ये बात को उन्होंने बताए तब वहाँ पर कहते हैं, तो बाबा जी महाराज के तो महात्मा, मैं बेस के ऊपर किसी प्रकार राग द्वेष रखने का उपदेश नहीं करता। अब जो बेस जो ड्रेस पहने हुए हो मैं उसका प्रति कोई राग द्वेष का बात नहीं करता हूँ, हैं? बोले क्यों नहीं करता हूँ? बोले अंतःकरण जब धर्म निर्मल होने पर बेस सहज में ही निर्मल हो जाता है। जब हृदय तुम्हारी पवित्र हो जाए ना, बेस अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। पहले अपना हृदय को रंगा लो, पहले अपना हृदय में भक्ति को बैठा दो, फिर ड्रेस तो अपने आप बदल जाएगा। इसलिए ड्रेस के लिए कोई चिंता की कोई बात नहीं। इसलिए जहाँ बाह्य वेश का विशेष आदर है वहाँ अंतर धर्म पर विशेष रूप में ध्यान नहीं दिया। इसलिए जहाँ बाहर का वेश को लेकर के हैं, अगर हम ये संन्यास वेश ले लेंगे, त्रिदंड धारण करेंगे, सबके सब हमें प्रणाम करेंगे, और प्रणामी और प्रणाम और प्रणाम, ये दोनों चीज बहुत बढ़िया मिलेगी। इसलिए वृंदावन में ऐसे कुछ लोग हैं और क्या करते हैं, कहते ये वेश में जल्दी ले लो। बोले क्यों? जब जाएंगे कहीं भोजन करेंगे ना, प्रणाम और प्रणाम ये दोनों ज्यादा मिलेगा, इसलिए ये चीज को ग्रहण कर लो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जहाँ वेश का ज्यादा आदर है ना, कि तो वहाँ पर अंतर का प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए क्या ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपना अंतर, अपना अंतर को प्रभु का प्रेम में भक्ति रंग में रंगा लो, बाहर अपने आप तुम्हारी रंग जाएगा। मेरी समझ में पहले अंतकरण शुद्धि करके जब साधुओं के बाहरी आचरण में अनुराग होता है तभी बाह्य भेष आदि निर्दोष नहीं होता है। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ये पहले अंतकरण को शुद्ध करो, साधुओं के बाहर आचरण में फिर अनुराग होता है, हैं? उसी समय में ये जो ड्रेस है ना, फिर ये कोई दोषावह नहीं होता है, हैं? पहले अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ, फिर ड्रेस को बदला दिया, हैं? ड्रेस को बदला दिया, कभी ये ठीक नहीं। इसलिए तभी बाह्य वेश आदि निर्दोष होते हैं। आप अपने हृदय को संपूर्ण रूप में श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत कीजिए। क्या करो? पहले अपना हृदय को श्री चैतन्य महापुरुष का प्रति विशेष करके क्या करो? उनका अनुगत स्वीकार करो और महाप्रभु की भजन करो, उनका धर्म को अपनाओ जीवन में। इसके बाद जी निबाज्य संबंध में रुचि होगी उसका आचरण कीजिएगा। जब तुम अपना हृदय को महाप्रभु का शिक्षा दीक्षा से, महाप्रभु का धर्म प्रचार के धर्म से जब हृदय को संपूर्ण रूप में उसमें डुबा दोगे, महाप्रभु का भक्ति में तुम डुबो दोगे, फिर क्या होगा? कहते उनका आचरण कीजिएगा संबंध में जो तुम्हारी रुचि होगी, फिर ऐसे आचरण करना। श्री महाप्रभु का एक सुंदर महाप्रभु ने उपदेश दिया। मतलब क्या उपदेश दिया महाप्रभु का? कहते मरकट वैराग्य नाकर लोक देखाइया, जथा योग्य विषय पुंज अनासक्त हैया,
अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार अचिराते कृष्ण तमाए करिवे न बुधार। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया है, बोले देखो कि तुम मरकट बैराग ना कर लोक दिखाई। आप बंदर को देखे हो, सबके सब देखे हो बंदर को, हाँ। अब विशेष करके जो वृंदावन का जो बंदर है विशेष है, हैं वहां पर तो कोई चश्मा पहन करके आपको जाने नहीं देगा। कोई चश्मा पहन करके जाओगे ना, चश्मा उतार कर ले जाएंगे और उनको ऐसे तैसे देने चीज देने से वो चश्मा नहीं देंगे, टुपी चाहिए। पता नहीं उनको किसने सिखा दिया। और वहां पर कुछ बच्चे लोग भी खड़े रहते हैं, कहते हम ले आए, बोले टूटी देना पड़ेगा और मेरे को 100 रुपया 200 रुपया देना पड़ेगा, हैं बगरा चश्मा होगा 2000-3000 रुपया, बोले भले भले की बात है, ले 10 रुपया का टूटी कर दिया ले। पर किसी हाथ से बंदर को टूटी देता है और दूसरे हाथ से बंदर चश्मा दे देता है, हैं। और बैठ बैठ करके इनका भी कमाई हो जाता है, अब बंदर का भी कमाई हो जाता है। टूटी को पता नहीं उनको टूटी पिलाना किसने सीखा है, हैं। बंदर लोग टूटी भी दी, इसलिए और जो बंदर है आप देखना उसका कोई घर मकान क्या है, कोई घर मकान भी नहीं बनाया, फिर खाता है क्या फल फूल, मतलब पूरा साधु जैसे दिखता है, हैं? पूरा साधु, घर नहीं मकान नहीं दुकान नहीं, फिर कपड़ा नहीं पहनता है, पूरा नंगा रहता है, पूरा नंगा, फिर खाता है क्या, बोले फल फूल खा लेता है, लेकिन इतने भोगी इतने कामी है। कोई रोटी बनाता होगा ना ऐसे देखेंगे, एक बार देख लेंगे उसका नजर नहीं था, अगर वो देखेगा ना पता चलेगा ये बंदर कुछ नहीं जाना, फिर ऐसे देखेगा, देख करके फिर देखा उसका नजर बाद जब थोड़ा थोड़ी सी नजर इधर हो छप्पक मारेगा ले जाएगा। आप वहां पर तो रास्ता में खोला रूप में कोई फल को आप इसमें प्लास्टिक में ले नहीं सकते हो, सब खा लेगी सबके साथ, हैं ऐसे। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते मरकट बैराग ना कर लोग दिखाया, मतलब लोगों को दिखाने के लिए बंदर जैसे बैराग्य मत करो, मतलब ऊपर से बैराग्य को धारण मत करो बंदर जैसे, जैसे अंदर में बड़े कामी क्रोधी है, हैं ऊपर से तो बड़े बैराग्य करते हैं। कहते भैया ऐसे बैराग्य क्या करो, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे करने का जरूरत नहीं। कहते क्या, बोले जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, तुम्हारी शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उतना विषय को ग्रहण करो, ज्यादा लोगे तो विषय बन जाओगे, हैं भोगी बन जाओगे, अगर कम लोगे ना फिर रोगी बन जाओगे। अगर बोलोगे रघुनाथ दास गोस्वामी दिन भर में केवल एक चूल मट्ठा पी करके भजन करते थे, हैं, और सनातन गोस्वामी कभी चाना खा लेते थे कभी वो भी नहीं, बोले हम तो दूसरे रघुनाथ दास गोस्वामी बन जाएंगे, दूसरे सनातन गोस्वामी हम भी ऐसे करेंगे। बस कुछ दिन में शरीर तो ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ दिन बाद फिर बीमारी में पड़ जाएंगे, फिर जितने थोड़ी बहुत भजन हो रहा है वो भी भजन नहीं हो रहा, इसलिए क्या करनी चाहिए। महाप्रभु कहते जथा योग्य भोग नहीं तथा रोग, जितना जरूरत अगर उतना लेंगे तो कभी जीवन में कभी बीमारी ग्रस्त नहीं होंगे, हैं। इसलिए कहते हैं ये युक्त वैराग्य है, तथा अनासक्त होकर के आसक्त नहीं होकर के उतना ग्रहण करके क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या करो, बोले अंतर निष्ठा करो लोके बाह्य व्यवहार, अंतर में भगवान के प्रति अपना निष्ठा लगे, लेकिन जो बाहर का जो व्यवहार ठीक रखनी चाहिए। ये कौन किसको कब कह रहे हैं, बोले महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं ये बात, हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले देखो जब रघुनाथ दास गोस्वामी बारम्बार संसार छोड़ करके महाप्रभु के पास न आ जाते हैं, इनका परिवार आते हैं और पकड़ पकड़ करके जोर जबरदस्ती घर में ले जाते हैं, और आ जाता है ले जाते हैं, तब महाप्रभु देखो ऐसे पागल पर मत करो, घर छोड़ कर आ जाते हैं परिवार ले जाते हैं आ जाते हैं, ठीक नहीं है, क्या करो बंदर जैसे बैराग्य मत करो, जथा जो विषय भोजन करो, जितना जरूरत उतना ग्रहण करते हुए भजन करो, और क्या करो अंतर में निष्ठा रखो और बाहर का व्यवहार ठीक से रखो। बाहर व्यवहार मतलब
जैसे अपना भाई बंधु पिता माता उनका प्रति ऊपर से व्यवहार ठीक से रखो, हैं? ऐसे नहीं हम तो बहुत बड़ा साधु हो गए, बाप से बात नहीं करेंगे, मैया से बात नहीं करेंगे, परिवार से किससे बात नहीं करेंगे, हम तो बहुत बड़े साधु बन गए। नहीं कहते नहीं, ये निष्ठा अंदर में रखा करो, लेकिन जो बाहर का जो व्यवहार उसको सही रखो। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, बोले अचिरात कृष्ण तुम्हारी करीब होगा। जब तुम्हें ऐसे करते करते जब भजन करोगे धीरे धीरे तुम्हारी क्या होगा, अंदर का जो भक्ति बढ़ती जाएगी, अंदर की जो भावना तुम्हारी बढ़ती जाएगी। जब अंदर की भक्ति तुम्हारी बढ़ते 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 जब जाएगी अंदर का भक्ति, फिर क्या होगा, एक दिन ऐसे आएगा कृष्ण जल्दी से जल्दी तुम्हारे ऊपर में कृपा करके संसार से उद्धार कर लेंगे। महाप्रभु ये उपदेश दिया, जब उपदेश दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ये उपदेश को पा करके एकदम चंगा हो गए, सबके साथ में ऊपर से बढ़िया व्यवहार करते हैं, लेकिन परिवार में ऐसे चला बास बेटा तुम्हारा बढ़िया हो गया, पहले तो बात नहीं करता था, हैं? बोलते तो जब माया संसार में कोई किसी भी नहीं, बेटा अभी अच्छे तरह से प्रेम से बात करता है, बड़ा प्रेम से रहता है, बेटा तो हमारा अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते भगवान के प्रति अंदर की प्रेम बढ़ते गया, धीरे धीरे उसका प्रेम धीरे धीरे बढ़ते गया। जब बढ़ते गया एक दिन महाप्रभु का कृपा हुआ तो महाप्रभु का आशीर्वाद हुआ था, एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ कर महाप्रभु के चरण में आश्रय ले लिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अचरण, इसलिए सन्यासी ठाकुर ने इस विषय का भाव समझकर फिर वेश परिवर्तन की बात नहीं उठाई। जब सन्यासी ठाकुर को उन्होंने बाबा जी महाराज इस बात को बताए तब ये बात को उन्होंने सुन करके फिर उनको जो इच्छा हो रहा था कि सन्यासी वेश को हम परित्याग कर दो, ये बेकार है, हम लोग तो वैष्णव सन्यासी को ग्रहण करो। जब उन्होंने ये बात को उन्होंने किए फिर उन्होंने अपना जो बेस को परिवर्तन करना चाह रहे थे उन्होंने उसको उन्होंने परिवर्तन की बात नहीं उठाई, हैं? नहीं उठाई, और हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मैंने जब आपका शिष्य होकर के चरण का आश्रय लिया है तब आप जो उपदेश करेंगे उसे बिना तर्क किए हुए स्वीकार करूंगा। बोले प्रभु आपका मैंने चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए आपको हमने शिष्य हो गए जाने ब्रह्मा विष्णु देखिए तो अरुण तो जा रहे हो तुम तो इसको भी ले जाओ, उसको भी छोड़ दो, अरे पीछे चार बैठ जा रहे सामान पीछे डिग में और डिग नहीं और ये चीज ठीक है, कुछ दिन बाद हम चलेंगे मिलेंगे। हाँ जाओ 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 जा, भाई पूजा शिक्षक तुम करो शिक्षक प्रभु इसलिए कहते प्रभु जब मैं आपको शिष्य होकर के चरणों को मैंने आश्रय लिया है, हैं? आप जो उपदेश करेंगे उसको बिना तर्क में सिरोधार्य करेंगे, मैं आपका चरणों में आश्रय लिया है, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही कैसे ही करूंगा, आपका उपदेश श्रवण करके मैं समझ गया हूँ कि विमल कृष्ण प्रेम ही एकमात्र वैष्णव धर्म है। आपका उपदेश से मेरे को क्या पता चला, मेरे को ये पता चला विमल जो कृष्ण प्रेम एकमात्र वैष्णव धर्म है और कोई विमल वैष्णव धर्म नहीं, यही जीव का नित्य धर्म, जीव का नित्य धर्म क्या विमल वैष्णव है। वैष्णव मतलब क्या होता है, कहते जो गृहित विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नरो, मतलब जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होते हैं, बोले हम तो कृष्ण मंत्र में दीक्षित हो गए, तो नहीं कृष्ण का नाम भी एक विष्णु है, विष्णु मतलब होता है व्याप्त नदी, जिसको व्याप्त, बोले कहाँ पर उनको व्याप्त,
जब उन्होंने रासलीला उन्होंने किया है, ए कृष्ण ए गोपी, विष्णु मतलब सर्वत्र जो व्याप्त है वो विष्णु है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णु तत्व, कृष्ण भी विष्णु तत्व है, राम विष्णु नृसिंह है, बामन परशुराम राम बलराम ये सबके सब विष्णु तत्व में आते हैं। इसलिए कहते जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के जो विष्णु की पूजा सेवा को करते हैं वैष्णव अभी तो उसको वैष्णव कहते हैं और सबके सब अवैष्णव। इसलिए हमें विष्णु मंत्र में ही हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए वैष्णव यही जीव का नित्य धर्म, कहते ये जीव का धर्म क्या है, कहते यही जीव का नित्य धर्म और भी धर्म नहीं। एक समय बंगाल में वहां पर कोई शाक्त भी, शाक्त समझते हो जो शक्ति को उपासना करते हैं, कोई गणपत्य जो गणेश जी को पूजा करते हैं, कोई साहिब जो शिव को पूजा करते हैं, हैं कोई सौर्य है जो सूर्य सूर्यों को उपासना करते हैं। अब बंगाल में जाओगे तो अलग अलग देखने को मिलेगा, कोई शाक्त तो गणपत्य सौर अलग अलग देखने को मिलेगा। तब एक समय एक वैष्णव ने पूछा, भैया तुम्हारी गोत्र क्या है? बोले वशिष्ठ। और बोले तुम्हारी गोत्र क्या? बोले विश्वामित्र। बोले तुम्हारी, अब देखना तुम्हारी गोत्र क्या है, बोलो जोर से गोत्र क्या है? भारद्वाज। क्या अच्युत गोत्र तो अभी हो गया तुम्हें, गर्व तुम्हारी ये तो टाइटल हो गया, सभी का एक एक गोत्र है। कहते गोत्र हुआ है, हम जिस ऋषि परंपरा से आए ना, जिस ऋषि से हम लोग आए हैं उसी परंपरा से कोई हमारी गोत्र, कोई वशिष्ठ कोई पराशर कोई ऐसे ऐसे सब गोत्र है। तब उन्होंने बोले, भैया तुम बता रहे हो तुम्हारी वशिष्ठ गोत्र पराशर गोत्र तुम्हारी गोत्र विश्वामित्र, फिर तो शास्त्र कैसे हो गया, तू शैव कैसे हो गया, तू गारपत्य कैसे हो गया, तेरी गोत्र तो सब वैष्णव है। इसलिए जितने को गोत्र पूछोगे ना, पूर्व पूर्व जितने सब ऋषि मुनि वैष्णव सबके सब सब भगवान की भक्त हैं। बोले तब अगर गोत्र ये फिर तुम शैव सौर कैसे हो गए? बोले तुम लगता है कि वैश्या पुत्र हो, उसको बोले तुम तो वैश्या पुत्र हो, बता रहे मेरा गोत्र ये है और फिर तू कैसे बता रहे तुम्हारी शाक्त और शैव कैसे बता रहे? नहीं, हमारी गोत्र सबके सब वैष्णव गोत्र हैं, ऋषि मुनियों से हम सबके सब आए हैं, हम मनु महाराज से आए इसलिए हम मानव है। और मनु महाराज किसके भक्त थे? मनु महाराज कौन है? भगवान की ये भगवत अवतार है, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी से ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सबके सब कौन है, हम सबके सब हम भगवान की भक्त है और सबके सब हम वैष्णव है और हम कुछ है नहीं। प्रभु मैंने जब यही जीव का वही धर्म पूर्ण जो ये वैष्णव धर्म है, कभी ये धर्म पूर्ण है, ये शुद्ध है, ये सहज है, ये वैष्णव धर्म कभी ये धर्म पूर्ण धर्म है। मतलब ये धर्म अगर कोई अपना लिया तो फिर और कहीं आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। भगवान जैसे पूर्ण ये धर्म भी पूर्ण है और ये धर्म कैसे बोले शुद्ध धर्म है, कभी ये सहज धर्म है। ये धर्म नाना देशों में नाना प्रकार के जो धर्म प्रचलित है उन धर्मों के विषय में मैं कैसे भावना करूं? तो बाबा जी महाराज प्रश्न करते हैं, जगत में तो बोले नासो मुनि जैसा मतम ना बोलू। अब देखना अलग अलग लोग तो अलग अलग पूजा अलग अलग सेवा अलग अलग आराधना करते हैं, है लोग अलग अलग सब करते हैं। अभी फिर ये सबको धर्म में क्या समझो? आप तो कह रहे वैष्णव धर्म ही जीविका परम धर्म, ये चीज को तो मैंने समझ लिया, क्योंकि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब हम ईश्वर का अंश ईश्वर का आराधना करना करते हैं, क्यों हम उनका पुत्र है, पुत्र का कर्तव्य पिता माता की सेवा करें, यही है ना। लेकिन जगत में जो और जो अलग अलग धर्म जगत में प्रचारित हो रहा है कहते उसका प्रति हमारी भावना कैसे होनी चाहिए? तो बाबा जी महाराज कहते बोले महात्मा धर्म एक है, दो या अनेक नहीं, हम कहते ना एक भगवान एक धर्म सनातन धर्म जो पहले था अभी है और बाद में जो धर्म होगा है वो सनातन है सदातन
सब समय जो प्रकाश लिए है, सब समय जो प्रकाश लिखा है वो सनातन धर्म है, एक धर्म सनातन धर्म, और कोई धर्म जगत में कोई धर्म नहीं या दो या अनेक नहीं, क्योंकि जीव मात्र का एक ही धर्म है, उसी धर्म का नाम वैष्णव धर्म है, उसी धर्म को जो सनातन धर्म को ही ये वैष्णव धर्म कहते हैं। कहते भाषा भेद में, देश भेद और जाति भेद में धर्म भेद नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा कई भाषा की भेद है, जैसे यहाँ की भाषा हिंदी भाषा है, लेकिन बंगाल में चले जाओ, बंगला उड़ीसा में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, आसाम भाषा सबके साथ आसाई भाषा है, हैं अलग 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 भाषा है। आप देखना किसी किसी भाषा भेद, फिर देश का भेद है, अलग अलग देश है, फिर उसके अंदर में फिर और जाति भेद है, यहाँ पर भी देखना कोई बढ़िया है अगर कोई गुप्ता है, कोई पंडित है, कोई अलग अलग जात भी है, अलग अलग जात है, कहते ये अलग अलग जात, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है लोग जैव धर्म को ही भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, है किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते है, इसलिए यहाँ पर जात अलग हो गया, तुम्हारी वर्ण अलग हो गया, तुम्हारी देश अलग होने पर भी धर्म कभी अलग अलग नहीं होता, एक ही धर्म। जैसे हम उड़ीसा से आया, हम ये आए उत्तराचल से, आ आए कहाँ से, उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन धर्म थोड़ी अलग हो गया, सबका हृदय में तो एक ही भगवान बैठे ना, एक जीवात्मा तो जीव के हृदय में बैठे हैं, ऐसे नहीं उनका रक्त पीला है, मेरा रक्त काला है, मेरा रक्त काला है आपका सब है रक्त क्या है लाल, ऐसे नहीं सबका खून देखो कि एक ही है, आज सबका हृदय में भगवान बैठे हैं, है? इसलिए तत्व का धर्म अलग नहीं, तत्व धर्म एक ही है, हम सबके सब भगवान की संतान है, इसलिए लोग जैव धर्म को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते, अलग अलग पुकारने पर भी धर्म को कोई अलग नहीं कर सकता है, ये धर्म एक ही धर्म है, इसलिए नहीं कहते परम वस्तु में अणु वस्तु का जो निर्मल निर्मल चिन्मय प्रेम, उसे जैव धर्म अवस्था अथवा जीव संबंधी धर्म कहते हैं। कहते धर्म क्या है, कहते एक परम वस्तु का प्रति, परम वस्तु तो भगवान कृष्णा, नहीं तो भगवान राम, नहीं तो भगवान नारायण, जब कहते ये परम वस्तु का प्रति अणु वस्तु, अणु वस्तु हम जीव, हम जो जीव है कहते जो निर्मल चिन्मय प्रेम है उनका प्रति हमारे जो स्वाभाविक जो भावना, जो स्वाभाविक जो आकर्षणीयता है उसे जैव धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रंथ का नाम जैव धर्म, मतलब हर जीव मात्र का ये धर्म भगवान को प्यार करना, भक्ति करना, इस जैव धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म। जैव धर्म मतलब क्या है, मतलब जीव संबंधी धर्म को जैव धर्म कहते हैं। जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त है, इसलिए जैव धर्म भी कुछ कुछ प्राकृत आकारों को द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है, इससे जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को वैष्णव धर्म के नाम से अभी तक किया गया। अन्य अन्य धर्म में जिस परिमाण में वैष्णव धर्म है उसी परिमाण में वो धर्म शुद्ध। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोले जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग बैठे, कितने लोग बैठे, लेकिन देखना स्वभाव सभी का एक क्या है, नहीं अब तक सबका स्वभाव अलग है, किसका नेचर है बहुत कोमल नेचर है, किसका नेचर देखना था उग्र नेचर है, किसका नेचर देखना उग्र और कोमल दोनों मिला हुआ नेचर है, और स्वभाव सभी का अलग है, किसका स्वभाव में देखना किसको स्वभाव मिलता नहीं, सबका स्वभाव अलग 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 स्वभाव बना हुआ है, तब ये तरह तरह का प्रकृतियों से स्वभाव से युक्त है, इसलिए जैव धर्म भी है, जैव धर्म भी कुछ प्राकृत आकार से द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है, इसलिए जैव धर्म जीव का धर्म, इसलिए अलग 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 रूप में ही कभी कभी धर्म दिखाई पड़ता, क्यों सबका स्वभाव अलग अलग स्वभाव दिखाई पड़ता, इससे जैव धर्म की शुद्धावस्था को वैष्णव धर्म के नाम से अभिव्यक्त किया गया, इसलिए इससे जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को
हैं, कहते वैष्णव धर्म में नाम से अभिव्यक्त किया है, इसलिए जीव का जो शुद्ध अवस्था को ही वैष्णव धर्म की नाम से अभिव्यक्त। यद्यपि सभी का स्वभाव अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन होने पर भी हम किसको प्रेम करते हैं, कृष्ण को, भगवान को प्रेम। यद्यपि स्वभाव अलग है लेकिन सबके सब किसको कहते हैं, गुरु वैष्णव भगवान को, हम सबके सब ठाकुर को ही प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति हमारी प्रेम ही। इसलिए कहते शुद्धावस्था को वैष्णव धर्म से नाम से अभी, इसलिए अन्य अन्य धर्म में अगर दूसरे दूसरे कोई धर्म है जगत में, अलग अलग धर्म है, लेकिन अन्य अन्य धर्म में जिस परिमाण से परिमाण में वैष्णव धर्म है, दूसरे धर्म होने पर भी अगर जितने परिमाण से वो वैष्णव धर्म होगा उनको अंदर में, उसी परिमाण में वो धर्म शुद्ध है, उतना परिमाण में ही वो धर्म शुद्ध है। अगर भगवान के प्रति अगर प्रेम नहीं होगा तो है तो उसको वैष्णव धर्म नहीं मानेंगे और ये जीव का शुद्ध धर्म नहीं। जैसे कोई व्यक्ति शंकर जी को पूजा करे, काली को पूजा करे, गणेश जी को पूजा करे, अन्य अन्य देवादेवी को पूजा करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को पूजा नहीं करते, भगवान विष्णु को पूजा नहीं करते, फिर उसको वैष्णव धर्म हम नहीं मान सकते। लेकिन होने पर भी यहाँ पर कहते हैं हरि रेव सदाराध्य सर्वे देव स्वरे स्वरे इतरे ब्रह्म रुद्राध्य न अवज्ञ कदाचन। जैसे हम लोग इसको उपासना करते हैं कृष्ण को, इसका मतलब नहीं जो दूसरे दूसरे देवादेवों को पूजा करते हैं निंदा को, बोले निंदा नहीं है, जो दूसरे दूसरे देवादेव को पूजा करते हैं उनके प्रति निंदा भावना नहीं रखनी चाहिए, बोले क्यों, जिसको अंदर में जो स्वभाव है ना वो स्वभाव को अनुरूप वो देवता को पूजा करेंगे। जैसे रावण किसको पूजा करता है, रावण किसको पूजा करता था, शिव जी को, विभीषण किसको पूजता था, राम को, बोले क्यों, इनको दोनों को स्वभाव में क्यों, कहते जब किसका अंदर में ये सात्विक गुण आएगा तो स्वाभाविक रूप में कृष्ण राम और नारायण को पूजा करेगा, सात्विक गुण। लेकिन तुम्हारे अंदर में जो तामसिक गुण आएगा ना, तुम राम कृष्ण को पूजा नहीं कर पाओगे, तो तुमका शंकर जी की पूजा में फिर देवी पूजा में ले जाएगा, फिर तो बलि चढ़ाएगा, दारू पिएगा, हैं दारू पिएगा और गंजा भूगेगा और उसमें मस्त रहेगा, क्यों, उसका स्वभाव तामसिक स्वभाव है। इसलिए जिसको अंदर में जो स्वभाव है ना वो अपना स्वभाव से देवता को चुन लेता है, उसको विष्णु अच्छी नहीं लगे है, अच्छी लगेगा नहीं, क्यों, उसको मांस खाने की इच्छा है, दारू पीने की इच्छा है, वो जानता है अगर कृष्ण राम को भक्ति करूंगा फिर दारू नहीं पी सकता हूँ, फिर मैं मांस नहीं खा सकता हूँ, फिर तो उनको पूजा करेगा नहीं, वो तो दूसरे दूसरे हैं, फिर तो दूसरे दूसरे देवा देवियों को पूजा में वो उधर जाएगा, फिर इधर वो आएगा नहीं है। इसलिए कहते स्वभाव, लेकिन जिस धर्म में जितने परिमाण में विष्णु का प्रति भक्ति है, विष्णु का प्रति भक्ति है उसमें उतना ही वैष्णव धर्म, अगर उसमें विष्णु का प्रति अगर उनका प्रेम नहीं फिर उसको हम वैष्णव धर्म नहीं कह सकते, शुद्ध भक्ति हम उसको नहीं कह सकते, वो विद्या भक्ति और शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमको भगवान कृष्ण को शुद्ध रूप में भगवान कृष्ण के प्रति हमारी प्रेम होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को वैष्णव कहला सकते हैं। ठीक है, तुम लोग बोलो क्या क्या याद किया है, क्या क्या बड़े हो, कोई बड़े नहीं, इसको बंद करते